आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद के सिद्धांत का परिचय, पंचमहाभूतों का सिद्धांत, त्रिदोषों का सिद्धांत, सप्त धातुओं का सिद्धांत, मल निष्कासन का सिद्धांत, उपस्तंभों का सिद्धांत, पाचन और चयापचय का सिद्धांत, साथ ही स्वास्थ्य वृत्त के सिद्धांतों का हम लोग आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। पंचमहाभूतों का सिद्धांत, आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है और आयुर्वेद भारत से निकला है, इसलिए भारतीय दर्शनों के सिद्धांतों का उस पर प्रभाव पड़ा है। जैसा कि सभी भारतीय दर्शन इस शरीर को पंच महाभूतों से उत्पन्न मानते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन पांच महाभूतों से इस शरीर की उत्पत्ति सभी दर्शन मानते हैं और ऐसे ही आयुर्वेद भी मानता है। तो आयुर्वेद शरीर के जो मूल दोष धातु और मल की उत्पत्ति को भी पंच महाभूतों से उत्पन्न ही मानता है। इन तत्वों की कमी या अधिकता के कारण शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इन्हें पहचानने के लिए कुछ संक्षिप्त विवरण हम देखेंगे। आकाशीय पदार्थ, ये पदार्थ मुलायम हल्के सूक्ष्म समतल शब्द गुण से युक्त होते हैं, क्योंकि आकाश का जो लक्षण है वो शब्द है। इनके सेवन से शरीर में कोमलता, लघुता, चंचलता और छिद्रों की अधिकता होती है। वायव्य पदार्थ या वायवीय पदार्थ जो वात गुणों से युक्त होते हैं, ये पदार्थ हल्के शीतल ठंडे रूखे खुरदरी सूक्ष्म और स्पर्श वायु का गुण है, तो स्पर्श गुण से युक्त ये पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों के सेवन से शरीर में लघुता खुरदुरापन गति और स्फूर्ति आती है। तेजस या आग्नेय पदार्थ, ये पदार्थ गर्म तीक्ष्ण सूक्ष्म हल्के रूखे चिपचिपाहट से रहित होते हैं तथा रूप गुणों से युक्त होते हैं। इनके सेवन से शरीर में जलन चयापचय शक्ति पाचन शक्ति तेज त्वचा में चमक और पाचन में वृद्धि त्वचा के रंग में निखार शरीर में पौरुष बल आदि दिखाई देते हैं। आप्य या जलीय पदार्थ, ये पदार्थ तरल ठंडे भारी या गुरु स्निग्ध अर्थात गीले मंद सांद्र अर्थात गाढ़े और रस गुण प्रधान होते हैं। पार्थिव पदार्थ, ये पदार्थ भारी दृढ़ कठोर सख्त स्थूल और चिपचिपेपन से रहित ये भी होते हैं, ठोस और गंध से पूर्ण होते हैं। इनके सेवन से शरीर में मोटापा दृढ़ता भारीपन आता है। शरीर में मुख्यतः पृथ्वी और जल, ये दो महाभूत विद्यमान होते हैं। शरीर का जो ठोस भाग होता है वह पृथ्वी से द्रव भाग जल से बना होता है। जो खाली भाग मुख्य रूप से आकाश और आंशिक रूप से वायु से बना होता है। जो मुख्य पदार्थ हम
जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उनको पचाकर धातुओं में परिवर्तित करने का काम जो करता है वह अग्नि महाभूत है। अब त्रिदोषों के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। आयुर्वेद में शरीर की मुख्य शक्ति को त्रिगुणात्मक मूल आधार या त्रिदोष कहा गया है और मुख्यतः इन्हीं दोषों में विकृति को रोगों का कारण आयुर्वेद मानता है। जैसा कि आयुर्वेद कहता है, दूषणात् दोषः, अर्थात जब दोष प्रकोपित होने पर रोग उत्पन्न होते हैं या जब रोग दोष प्रकोपित होते हैं तो रोग शरीर में दिखाई देते हैं। वायुः पित्तं कफः शोकतः शारीरो रोग संग्रह, चरस सूक्त में ये कहा गया है कि वात पित्त और कफ ये दोष हैं और इनके दूषित होने पर ही शरीर में रोग होते हैं। धातुओं का सिद्धांत, जो शरीर में आयुर्वेद के अनुसार 7 धातुएं हैं जो शरीर को धारण करती हैं, इसलिए इन्हें धातु कहा जाता है। ये संख्या में 7 होने के कारण सप्त धातु भी कहलाती हैं। इनकी भी कमियां अधिकता, किसी एक भी धातु में कुछ कमी हो या कुछ अधिकता हो तो शरीर में रोग दिखाई देने लगते हैं। इन धातुओं के नाम हैं रसा सृंग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातुवा सप्त दूष्या, अष्टांग हृदय का ये सूक्त है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। अगला हम मल निष्कासन के सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। भोजन के पाचन और पोषण के पश्चात जो अवशिष्ट पदार्थ शरीर में बच जाते हैं उन्हें मल कहा जाता है। मल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, पुरीष, स्वेद और मूत्र। वैसे तो बहुत सारे मल होते हैं, 7 धातुओं के अलग अलग 7 मल होते हैं। आँख कान नाक मुंह से जो व्यर्थ पदार्थ निकलते हैं वो भी मल होते हैं, लेकिन मुख्य मल 3 ही माने गए हैं, मूत्र, पुरीष और स्वेद। मल पदार्थों का शरीर में अनावश्यक संचय रोगों का कारण होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा कोई मल निकलना भी शरीर को रोगी करने का कारण होता है। जैसे कि कहा गया है, जायन्ते विविधा रोगः प्रायशो मल संचयात् सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलः, अर्थात विविध प्रकार के रोग मलों के संचय से ही होते हैं और सभी रोगों का निदान कुपित मल को शरीर से बाहर निकालना है। उपस्तंभों का सिद्धांत, शरीर को स्वस्थ, सुंदर, शक्तिशाली, कार्यशील बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, जिन्हें भोजन, निद्रा, इंद्रिय संयम के नियमों का पालन बताया गया है और कहा भी गया है, त्रितयम् चेदम् उपस्तंभनम् आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यम् च, अर्थात आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये 3 उपस्तंभ हैं। आहार से शरीर को ऊर्जा मिलती है परंतु उसे व्यवस्थित लिया जाए, निद्रा को भी व्यवस्थित लेना चाहिए। अधिक निद्रा या कम निद्रा शरीर में रोगों का कारण होती है। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य है और उसका भी पर्याप्त उपाय किया जाना चाहिए, ना दमन और ना समन।
पाचन और चयापचय का सिद्धांत, हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं उसके पाचन के पश्चात शरीर को पोषण प्राप्त होता है। पाचन और चयापचय की क्रियाओं को यथोचित रखने के लिए आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियों का वर्णन किया गया है। किसी भी अग्नि के मंद या तीव्र होने पर शरीर रोगी हो सकता है। यह 13 प्रकार की अग्नि जठराग्नि, 5 प्रकार की भूतग्नि और 7 प्रकार की धातु अग्नियों को मिलाकर 13 होती हैं। पाचन का जो मुख्य कार्य करता है वह जठराग्नि करता है। स्वास्थ्य वृत्त का सिद्धांत पहले भी हम बताया चर्चा की कि आयुर्वेद जो है व्यक्ति को रोग हो ही ना उस पर बहुत विस्तार से चर्चा करता है और उसे स्वास्थ्य वृत्त कहा जाता है। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा आयुर्वेद का पहला सिद्धांत है और उसको स्वास्थ्य को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है वह स्वस्थ व्रत है, जिसमें जीवनचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, सद्व्रत और आचार रसायन जैसे तत्वों की चर्चा की गई है, जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ रहे। रोगी हो वो भी इसके पालन से जल्दी स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।